नारद जी ने सनत कुमारों को देखा कि ये मार्ग बता रहे हैं, तो चले गए। जलपान करें, नारद जी ने कहा नहीं, मुझे जलपान प्रिय नहीं है, क्योंकि जिसके लक्षण जिसके उद्देश्य झूठे पड़ रहे हो वो कैसे खाए कैसे पिए। जो आदमी उद्देश्य भटक गया हो उसे नींद भोजन पानी चैन शांति अगर आ रही है तो महाबेशरम प्राणी है ये। नारद जी लज्जा से भरे, शर्म से भरे, हया से भरे, पिता को दुखी देखकर ये पानी पिएंगे, ये रोटी खाएंगे, ये मौज मारेंगे। ये नारद ऐसे पुत्र नहीं है कि जिनके माता पिता दुखी पड़े हों और ये मौज मार रहे हों, आनंद में रह रहे हों, खुशियां जुटा रहे हों। ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना हो वो ठीक है, जो अपने माता पिता को हारी बीमारी भी देख नहीं सकता, केवल अपनी मौज मस्ती में चूर है। ये कोई बेटा बेटी नहीं है, ये सब मतलब कि यार है महाराज। बोलिए, काय के लिए औलाद होती है, काय के लिए माँ में तृष्णा होती है पुत्र के लिए, काय के लिए बाप कमाता है पुत्रों के लिए, क्योंकि ये बीमार होंगे सहायता करेंगे, बीमार होंगे रक्षा करेंगे, बीमार होंगे सेवा करेंगे। पर यहाँ कहाँ सेवा का मौका किसी को दिया है, यहाँ तो सब अपने अपने में लगे पड़े। भागम भूख मरी है, केवल पैसा बढ़ाने के चक्कर में सारी रीति रिवाज परंपरा सेवा धर्म भूल गए, केवल पैसे की आग खाई जा रही है, पैसे का भाव खाया जा रहा है। क्या पैसा पैसा करता है, पैसे पे तू क्यों मरता है। ये संगी साथी है, पर इसका संग साथ तभी काम आता है जब बुद्धि सही हो तो ये काम करता है। अगर बुद्धि सही नहीं है तो पैसा काम करता नहीं है, वो लंगड़ा हो जाता है। पैसे को दौड़ाना है तो आदमी को विवेक ही चाहिए, विवेक। यद लक्षणम धर्म कृतम धनम योगो विहिरताम, धन तब बढ़ता है, धन तब आगे बढ़ता है, धन यश तब देता है, धन जय जयकार तब कराता है, जब वो धन धर्म में लग जाता है तो धन यजमान की पूजा करवा देता है, धनवान की पूजा करवा देता है। आप धन को बैंक में कैद रखो कैद रखो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप धन को परिक्रमा में ला करके एक सब्जी पूड़ी खिलाओ रोज, दूध पिलाओ रोज, कथा सुनवाओ रोज, दान करवाओ रोज, फिर देखो तुम्हारी किस तरह से पूजा बढ़ती है, किस तरह से प्यार बढ़ता है। धन बढ़ता नहीं, धन बढ़ता ही चला जाएगा, धर्म बढ़ता चला जाएगा, सम्मान बढ़ता चला जाएगा, पहचान बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि धन तब ही पूजनीय बनता है जब वो धर्म में आता है। धनवान तब भी पूजनीय बनता है जब वो धर्म में आता है। यहां तो अपने अपने में सब धनवान है महाराज, पांडाल में जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब अपने अपने घर से अपने अपने लिए सब पैसा लाए, यहां पर सब धन लाए, चाहिए कथा में आए डॉक्टर साहब के साथ में, पर सब अपने पर्स में अपनी कमाई लेके आए, किसी पे भरोसा नहीं किसी को, इसलिए सब धनवान है दुनिया में कम या ज्यादा। अगर कोई नहीं है दुनिया में कम या ज्यादा तो धर्मवान नहीं है, भक्तिवान नहीं है। जो यहां आकर वृंदावन में प्राप्त हो जाए, आपको सत्संग से कुछ सीखने को मिल जाए, चित्त बुद्धि मन परिवर्तन हो जाए।